यीशु का क्रूस पर चढ़ाओ जाब। यीशु के ठट्ठा करें के बाद सिपाही वही का क्रूस में चढ़ाव के खातिर लगे, वही वह क्रूस का वैसे उठवाइन जौने में वह मरी। वही सिपाही यीशु का वह जगह में लगे जौन खोपड़ी कहावत थी और वही के हाथन और पावन का क्रूस माँ कीलन से ठोंक दिन। लेकिन यीशु ने कहो, हे मोरे बाप, इनका क्षमा कर, कैसे ई नहीं जानत कि ई काय करत। वही एक तख्ती का भी वही के मूड़े के ऊपर टांग दिनन, वही माँ लिखो तय यहूदियन का राजा। पिलातुस ने उन्हीं से यह लिखें का कहो तय। तब सिपाहियन ने यीशु के कपड़न के खातिर चिट्ठी डारन, जब वही ऐसा कीनेन तो वही वह भविष्यवाणी का पूरा कीनेन जौने माँ कहोगा तय, वही मोरे कपड़न का आपस में बांट लई हैं और मोरे कपड़न के खातिर चिट्ठी डरी हैं। वही जगह पर दुई डाकू भी रहें जिनका सिपाहियन ने वही समय पर क्रूस में चढ़ाओ तय, वही उन्हीं का यीशु के दोनों तरफ क्रूस में चढ़ाओ तय। उन्हीं में से एक डाकू ने यीशु का मजाक उड़ाई, लेकिन दूसरे ने कहे, तू काहे नहीं डराते कि परमेश्वर तुही का सजा दई। हम बहुत से बुरे कामन का कर कर दोषी ठहराए गए, लेकिन यह आदमी निर्दोष। फिर वह यीशु से कहिस, जब तय अपने राज में आए तो दया करके मुह का याद रख। यीशु ने उत्तर दिन, आज ही तय मोरे साथ है स्वर्ग लोक में हुई। यहूदी अगुवन और भीड़ के दूसरे लोग यीशु का मजाक उड़ावे लाग। वही वैसे कहें, अगर तय परमेश्वर का लड़का है तो क्रूस से तरे उतर आओ और खुद का बचा ले, तब हम तुही पर विश्वास करब। तब वह पूरे देश में आसमान पूरी तरह से करिया हुईगा, यद्यपि वह दिन के मंध का समय रहा या दोपहरी के समय करिया भाता है और 3 घंटे तक ऐसा ही रहोत है। तब यीशु ने पुकार कर कहिस, पूरा भा, हे मोरे बाप, मैं अपन आत्मा तोरे हाथन मां सौंपत हूँ। तब वह अपने मुड़े का झुकाए दिनेस और अपने प्राण का छोड़ दिनेस। जब वह मरो तो एक भूकंप आओ, मंदिर का वह बड़ा पर्दा जो उन परमेश्वर की उपस्थिति से लोगन का अलग करत ऊपर से तरे तक फाट के दुई भाग होगा। अपनी मौत के द्वारा यीशु ने लोगन के खातिर परमेश्वर के नेरे आवे का रास्ता खोल दीने। जब यीशु के निगरानी करें वाले एक सिपाही ने जौन कुछ भात है यह सब दिखिस तो हुआ कहिस, निश्चित रूप से यह आदमी निर्दोष रहा है, यह परमेश्वर का लड़का रहा है। तब यूसुफ और निकुदेमुस नाम के दो यहूदी अगुए आए, वहीं विश्वास करते कि यीशु ही मसीह आए। वहीं पिलातुस से यीशु के देह का मांगित, वहीं वही के देह का कपड़ा मां लपेटन। तब वहीं वही का एक चट्टान मां से काट के बनाई गई कब्र मां लगे और भीतर रख दिनन। तब वहीं वह कब्र के द्वारे का बंद करें के खातिर एक बड़े पथरा का लुढ़का दिनन। मत्ती अध्याय 27 वचन से 61 वचन तक, मरकुस अध्याय 15:16 से 47 वचन तक, लूका अध्याय 23:26 से 56 वचन तक, यहूना अध्याय 19:17 से 42 वचन से बाइबिल का एक कथा।